18 मार्च से भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाके में शुरू हो चुका है और इसी बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समस्त जनजातीय भाई बहनों समेत पूरे प्रदेशवासियों को भगोरिया महोत्सव और होली की बधाई दी। सीएम यादव ने कहा कि आप सभी को भगोरिया पर्व की हार्दिक बधाई। भगोरिया पूरे वर्ष का सर्वाधिक आकर्षण का और आनंद का त्यौहार है जो बसंत ऋतु में आता है। फाल्गुन माह का ये मस्ती का त्यौहार है और इसका आनंद ही कुछ और है। सीएम यादव ने कहा कि आदिवासी अंचल में विकास हमारी प्राथमिकता है। क्षेत्र में 1,00,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य चल रहे हैं। मैं मालवा क्षेत्र से हूँ, इसलिए मैं भगोरिया त्यौहार के महत्व को जानता हूँ। ये साल का सबसे प्रतीक्षित समय है। आज से कल तक लगातार मेरे भगोरिया महोत्सव में सम्मिलित होने के कार्यक्रम भी है। मैं चूंकि मालवा का हूँ, ये मालवा से जुड़ा हुआ अंचल है और इसका आनंद मैं महसूस करता हूँ कि भगोरिया पूरे वर्ष का सर्वाधिक आकर्षण का और आनंद का त्यौहार है जो बसंत ऋतु में आता है। फागुन माह का ही मस्ती का त्यौहार, इसका आनंद ही कुछ और है। हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार बनते ही मैंने सबसे पहले खरगोन में कंटिया मामा के नाम पर एक नया विश्वविद्यालय प्रारंभ किया खरगोन में, जो 7.5 दिन से कम समय में घोषणा के बाद इसी सत्र से प्रारंभ भी हो गया, जो 5 जिलों को कवर करेगा। इसके अलावा धार, झाबुआ पूरे क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से वन संपदा का भी क्षेत्र, इसलिए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की मैंने घोषणा की और अगले सत्र से यह कॉलेज बनना प्रारंभ हो गए। हमारे पूरे अंचल में विकास की संभावनाओं को लेकर लगभग 1,00,000 करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम चल रहे हैं। उद्योग निवेश की बड़ी संभावना है। इसी प्रकार से जो अति पिछड़ा क्षेत्र है, इस अति पिछड़े क्षेत्र के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की उसके हिसाब से पैसा एक्ट लगाते हुए वो सब काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से पूरे क्षेत्र के लोगों का बदलाव हो। मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को निमंत्रण भी देना चाहूँगा कि ये ट्रेडिशनल हमारा बहुत अच्छा एक फेस्टिवल है, बहुत अच्छा त्यौहार है। इसमें उन्मुक्तता के साथ में हमारे लोक जीवन के साथ अतीत की गौरवशाली परंपरा भी है, जिसमें खुल करके हम एक दूसरे के साथ नाचते गाते गाते बहुत सारे अच्छे भाव के साथ, ऐसा कई बार लगता है कि ये देव काल आ जाता है, तो देव संस्कृति को स्थापित करता है। तो आइए नज़दीक से देखें और आनंद लें भगोरिया उत्सव का। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई।